टिकट भाई, टिकट 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 भाई, टिकट टिकट। हाँ भाई टिकट। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? हाँ मेरा भी टिकट कटेंगे। क्यों, तो क्या पीर का पोता? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं पीर का पोता तो नहीं हूँ, मैं दरअसल खिताब बच्चन हूँ, बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर। अरे तो कितना बड़ा ट्रैक्टर हो, मैंने क्या मतलब, तो टिकट ले फटते सी। अरे ट्रैक्टर नहीं भाई साहब, एक्टर एक्टर। वो क्या है ना कि मैं मुंबई से आया हूँ हरियाणा घूमने के लिए, और अभी मैं अपनी BMW कार से आ रहा था तो वो अचानक खराब हो गई, इसलिए मजबूरन मुझे इस बस में बैठना पड़ा। अरे चाहे तो मजबूरी में बैठो, चाहे तो गुस्सों का बैठो, ये बैठ गए नहीं तो टिकट लेनी पड़ेगी। चल फिर टिकट ले। अरे अरे आप शांत रहिए भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ले रहे हैं टिकट, कोई बात नहीं, ये लीजिए, दे दीजिए टिकट, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? टिकट टिकट भाई, टिकट 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 टिकट। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ओ तो तेरे शर्म नहीं आती है, इड्डे बड़ो कभी तो छोरे ने छेड़ने लग रहा। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं आपको कैसे छेड़ सकता हूँ? ए जरा भाई रोई का, मैं नहीं लाग रहा कुछ छेड़, मैं आपने किस तरह छेड़ सकूँ? अरे नहीं नहीं देवी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने आपको कब छेड़ा। ले इब छेड़न तो लग रहा था गाना गा के। अरे नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो दरअसल मेरी फिल्म का गाना है और मैं इसे अपनी मस्ती में गुनगुना रहा था। ले फिर मेरे जड़ में बैठ के जरूरी गुनगुनाना यू। रो ताऊ, और सारी चीजें तेरी उम्र के लिहाज हो जाएगा, पर जे किसी की दी बेटी छड़े गए हरियाणा का यू बर्दाश्त नहीं गए ना। अरे देखिए बात साहब मेरी बात सुनिए, और एक मिनट बात साहब। अरे एक मिनट बाबा भाई साहब बात तो सुनिए। अरे यार बड़ी अजीब तरह की स्टेट, यहाँ तो लोग पूरी बात ही नहीं सुनते, बीच रास्ते में फेंक कर चले गए, ये कोई तरीका होता है? अभी यार क्या करें, यहाँ से आगे भी जाना है लेकिन कैसे जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या रहा है, लग तो कुछ वाहन जैसा ही रहा है। देख ले अरे भाई साहब ये क्या है? यू हेलीकॉप्टर। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब, हेलीकॉप्टर का तो मुझे पता है, मेरे पास खुद का भी है। अरे यू धरती पर चलने वाला हेलीकॉप्टर है? धरती पर चलने वाला कौन सा हेलीकॉप्टर होता है? अरे यू रे यार, यू सिर्फ हरियाणा में पाया जावा, इस करके इसके बारे में बहुत कम लोगों ने पता। ओ अच्छा अच्छा, देखिए भाई साहब मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, दरअसल मैं खिताब बच्चन हूँ, बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर, और मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ हरियाणा घूमने के लिए, तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या हम इस पर बैठकर कहीं दूर जा सकते हैं? दूर ना इस पर बैठकर तो पुट्टी मुंबई जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरे कहने का मतलब था कि क्या हम इस पर बैठकर थोड़ा आगे तक जा सकते हैं? हाँ अगले गांव तक तो जा सका। तो क्या आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? हाँ ले जाएंगे, क्यों नहीं, हमारा कौन सा टैक्स लगा, आ जा बैठ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अरे वाह, चलिए भाई साहब। अरे क्या मैं बैठ सकता हूँ भाई साहब? हाँ हाँ भाई साहब जरूर बैठिए। अरे क्या बात हूँ, तो फोन में लग रहा है। अरे देखिए भाई साहब अभी मैं फिल्में वगैरह तो बनाता नहीं हूँ, तो कैसे भी करके पैसे तो कमाने ही है ना। फिर नो फोन मलक के किस रुपये से कमा रहा है? अरे देखिए भाई साहब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये है IQ ऑप्शन ऐप, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जिसका यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा तो इसमें क्रिप्टोज लाइक बिटकॉइन, डॉगी कॉइन, अल्ट कॉइन, एथेरियम एंड बहुत सारी क्रिप्टोज करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो अभी मैंने IQ ऑप्शन को ओपन किया, ट्रेड रूम में गया, क्रिप्टोज को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। हाँ ताऊ तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। चलो अभी कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से, और ये मैंने सिलेक्ट किया बिटकॉइन, सो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लेयर सिलेक्ट किया जहाँ से आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, एंड अभी मैंने कन्फर्म कर दिया। अरे वाह प्रॉफिट अर्न कर लिया। अरे वाह रे ताऊ, ये तो बहुत आसान है। हाँ यह बहुत सही है, और जरूरी नहीं है कि इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। आता हूँ वह तो है यार, पर इसने डाउनलोड करते करा।
और आप मिनिमम $10 से शुरू कर सकते हो और ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए IQ ऑप्शन एंड स्टार्ट अर्निंग नाउ विद द IQ ऑप्शन। और अब आता हूं इसको तो भी डाउनलोड करूंगा। वैसे भाई साहब एक बात बताइए कि आपने इस वाहन पर बैठने के लिए जो है सीटें वगैरह क्यों नहीं लगवा रखी? राजा इस पर सीट लगवा दी फिर घास के तेरे सिर पर लाएंगे। ओ अच्छा, मतलब इस पर पशुओं के लिए घास वगैरह भी आता है क्या? अरे वाह, अरे घास ले आ जाओ इस पर और के नमम डोली में सजवावा। अरे ये तो बड़ी ही मजाक वाली बात की भाई साहब आपने, डोली में तो इसको कौन सजाएगा? खैर क्योंकि शादी में तो दुल्हन जो है वो बड़ा सा लहंगा पहनती है और इस पर तो दुल्हन को भी ऐसे ही बैठना पड़ेगा जैसे हम बैठे हैं। तो अगर इस पर दुल्हन हमारी तरह बैठेगी तो इसका जो ये एरिया है वो सारा दुल्हन के लहंगे से ढक जाएगा, तो दूल्हे के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। तो दूल्हे को तो बेचारे को इस पशु पर बैठना पड़ेगा। फिर इस पर बैठे नहीं जाता, बैठ सका इस पर भी? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, इस पर बैठ कर कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को घर कैसे ले जा सकता है? क्यों ले क्यों नहीं सकता, बाण के मस्जिद इस पर बैठ कर यमराज लोगों ना पर लोग मले सका, फिर बंदा अपनी बहू अपने घर अभी ले सकता। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप, यमराज क्या इस पर आता है लोगों को लेने? मावा, अरे भाई साहब एक तो आप हर बात का उल्टा जवाब क्यों देते हैं? अरे मैं कड़ा दे उल्टा जवाब तो सवाल उल्टा पूछा, जब सारे वेद शास्त्र में लिख रखा है अकबर यमराज जो टी सवारी करा। अरे भाई साहब ये तो बड़ी ही ज्ञान वाली बात बताई आपने, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, मुझे कौन बनेगा करोड़पति के लिए एक और सवाल मिल गया। अरे अभी तो बहुत कुछ मिलेगा, तो रहो तो दो चार दिन। वैसे भाई साहब एक बात और बताइए कि ये वाहन जो है इतना धीरे क्यों चलता है? अरे तो ये की बात कर दी तना, इससे तो कुछ चलता भी नहीं है, इब देख। ओए भाई साहब, ओए भाई साहब मैं गिर जाऊंगा भाई साहब, ओए भाई साहब इसको पकड़ने के लिए मैं कुछ नहीं है भाई साहब, ओए भाई साहब रोक दीजिए देख ली मैंने इसकी स्पीड, ओए भाई साहब, अरे अरे यार ये तो यहाँ पे लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है, क्या करूँ, अरे हाँ यहाँ क्या, ओए रोक दे मित्र, ओए रोक दे मित्र, भगवान ये लोग तो अपनी भाषा में सुनते हैं, वरना तो चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे इनको फर्क ही नहीं पड़ता। शुक्र है मैंने उस दिन वो वीडियो देख ली। ला भाई ये आ गया अपना स्टेशन, इस तरह को जान दिया। अरे चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, अब यहाँ से तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नु किस तरह बगजेगा, घास को कटाएगा? मतलब के घास कटा मेरे गेलो इतनी दूर तक लाया मैं तना। अरे देखिए भाई साहब ये घास वास मुझे नहीं काटना था और मैं तो वैसे भी यहाँ हरियाणा में घूमने के लिए आया हूँ। अरे घूमन में ताजमहल देखेगा तो यही अभी नहर खेत खलियान जोड़ गोसे पथवारा। चल कोई बात नहीं, जने घास काट लांदा, कार तो मैं अपने आप लेऊंगा, तो बस पल्ली में बुआ दिए आ जा। अरे आ जा आ जा, कुछ भी आ जा। देखिए भाई साहब आ जा आ जा आ जा। अरे देखिए भाई साहब बात तो सुनिए भाई साहब, अरे
वैसे भाई साहब ये काम है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन करने में बड़ा मजा आया। अच्छा मजा आया, फिर तो एक काम करना, हमारा सीरी लग जा, सारा दिन यही काम करेगा ये। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं ठहरे कास्टिस्ट आदमी, ये घास वास वाला काम मुझसे नहीं होगा, और मैं तो वैसे भी यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा फिर तो एक काम कर, मेरे के ना चल, मैं घुमाऊंगा तेरा स्मारक, एक एक चीज दिखाऊंगा हरियाणा की, चल। अरे हाँ हाँ भाई साहब बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, यहाँ का कुछ पता भी नहीं है, तो अगर आप मुझे घुमा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे किधर चला जाएगा भाई साहब, अरे ए, ए, पकड़।